मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्री एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नेम्ड द स्नेक एंड द मिरर। सो वैकुम मोहम्मद बशीर इज द राइटर ऑफ द स्टोरी। सो लेट्स नो समथिंग अबाउट द राइटर। वैकुम मोहम्मद बशीर वॉज बोर्न ऑन 21 जनवरी 1908 एंड ही डाइड ऑन 5 जुलाई 1994। फाउंडली नोन एज बेपुर सुल्तान वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड राइटर ऑफ मलयालम लिटरेचर। ही वॉज अ राइटर, ह्यूमनिस्ट, फ्रीडम फाइटर, नोवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। Noted for his path-breaking down-to-earth style of writing that made him equally popular among literary critics as well as common man. His notable works include Bale Kalashki, Shabdangal and many more, and the translation of his work into other languages have earned him worldwide acclaim. The government of India awarded him the fourth highest civilian honor of the Padma Shri in 1982. He was also a recipient of Sahitya Academy Fellowship, Kerala Sahitya Academy Fellowship and the Kerala State Film Award for Best Story. Now coming to the story, The Snake and the Mirror. Before you read, do you like to look at yourself in the mirror? Of course, everybody like to see themselves in mirror. What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat or bird to look into a mirror? How would you feel if you see a dog, a cat or a bird looking into a mirror? That will amaze us. What do you think it sees? आपको क्या लगता है कि अगर कोई जानवर शीशे में देख रहा होगा तो वो क्या देखता है? तो ऑफकोर्स वो अपनी परछाई को देखता है और वो ये सोचता है कि इस मेरे सामने कोई मेरे जैसा ही खड़ा है। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, ए स्नेक एंड अ मिरर। सो इट इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी, दैट मीन्स अ फनी स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, ए स्नेक एंड अ मिरर। सो कमिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ, Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. So, here the narrator is saying that when he was with a homeopath doctor, a doctor asked him that have ever any snake coiled your any part of your body? So means here the narrator is saying that कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्नेक ने आपके किसी बॉडी पार्ट पे लपेट करके, मतलब आपके किसी बॉडी पार्ट पे लपेट गया हो और आपको कैसा फील होगा उस टाइम पे? तो जो भी लोग नैरेटर बहुत चुपचाप हो गए और दो होम्योपैथ की बात बहुत ध्यान से सुनने लगे और जस डॉक्टर ने अपनी वो कहानी कंटिन्यू की। ऐसा कब हुआ? जब वो लोग स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इट वॉज़ अ हॉट समर नाइट। So who is saying? The doctor is saying that it was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. So here the doctor is saying that it was very hot summer night and it was about 10 o'clock, means 10 o'clock in the night. He had his meal in the restaurant and returned to his room. And he heard a noise from above. मतलब ऊपर से कोई आवाज़ आ रही थी जो उन्होंने सुनी जब वो दरवाज़ा खोल रहे थे। तो साउंड जो था वो बहुत फैमिलियर था क्योंकि डॉक्टर कहते हैं आगे
कि लोग कह सकते हैं कि मैं और चूहे कमरा शेयर करते थे, मीन्स जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे में चूहे भी थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। नाउ डॉक्टर इज सेइंग दैट ही टुक आउट हिज मैच बॉक्स एंड लाइटेड द लैम्प ऑन द टेबल। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, मीन्स घर में बिजली नहीं थी, यानी कि कनेक्शन नहीं था बिजली का। इट वॉज़ अ स्मॉल रेंटेड रूम, वो रेंट पे रहते थे, वो छोटा सा कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग विथ मीगर, मीन्स यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अपनी डॉक्टर की, मतलब डॉक्टर जब अपना काम करना शुरू करते हैं तो उसको प्रैक्टिस कहते हैं, जैसे कि और प्रोफेशन में कहते हैं कि आई स्टार्टेड वर्किंग, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर। तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू ही की थी और उनकी सैलरी बहुत कम थी, मतलब कमाई जो थी उनकी बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, उनके सूटकेस में 60 रुपये थे, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, और कुछ उसमें शर्ट थी धोतीज थी। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिट्री ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग, और इनके पास एक ब्लैक कोट था जो कि वो पहने हुए थे। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने अपने ब्लैक कोट को उतारा, अपनी वाइट शर्ट उतारी, और उतनी वाइट नहीं थी मेरी बनियान जो मैंने उतारी, और सबको मैंने टांग दिया। आई ओपन द टू विंडोज़ इन द रूम, और उनके रूम में दो विंडोज़ थी जिसे उन्होंने खोल दिया। इट वॉज़ एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और वो बाहर का कमरा था जिसकी एक दीवार जो है खुले मैदान की तरफ थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स एंड रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। देयर वॉज नो सीलिंग, देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट टू द टू एंड फ्रॉम द बीम। सो मतलब कि वो अपने रूम को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे सीलिंग नहीं थी तो इसलिए जो चूहे थे वो हमेशा रूम में आ जाते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और उन्होंने क्या किया कि अपना बेड, मेड माई बेड मीन्स उन्होंने अपना बेड बिछाया और अपने दीवार के पास लगा लिया। I lay down but I could not sleep. मैं लेट गया बट मैं सो नहीं पा रहा था। I got up and went out to the veranda for a little air. तो इसलिए मैं खड़ा हुआ और बरांडे की तरफ गया ताकि थोड़ी सी हवा ले सकूं। But the wind god seemed to have taken time off. लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वायु देव ने छुट्टी ले रखी है। I went back into the room and sat down on the chair. तो मैं वापस अपने कमरे में गया और वहाँ पर रखी हुई चेयर पर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book, the Material Medica. वो अपने चेयर पर लेट बैठ गए, उसके बाद पास में जो बॉक्स रखा था उसमें से उन्होंने, टेबल पर बॉक्स रखा था जिसमें से उन्होंने अपनी बुक निकाली जिसका नाम था Material Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. और उन्होंने वो बुक टेबल के ऊपर रख करके खोली जहाँ पे कि लैम्प रखी हुई थी, एक बड़ा सा मिरर था और एक स्मॉल कॉम्ब, छोटी सी कंघी थी जो कि मिरर के बगल में रखी हुई थी। One feels tempted to look into mirror when it is near one. और किसी को भी मिरर में देखना अच्छा लगता है जब वो पास में हो। I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. So जब उन्होंने, डॉक्टर ने खुद को मिरर में देखा तो उनको अपने पुराने समय की याद आ गई, और जब वो बहुत ही एडमायरर होते थे ब्यूटी के, और वो खुद को बहुत ही हैंडसम दिखाना चाहते थे और मेंटेन करके रखते थे। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट,
तो उनको ऐसा लगता था कि मेरा प्रेजेंस जो है वो लोगों को महसूस होना चाहिए, मतलब कि उनका प्रेजेंस ऐसा होना चाहिए कि लोग उनको नोटिस करें। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रेन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। फिर डॉक्टर ने वहाँ से वो कॉम्ब उठाई और अपने बाल को कंघी किया, और ताकि उनकी जो बालों की पार्टीशन है वो अच्छी और साफ़ सुथरी बढ़िया सी दिखे, यानी कि वो अच्छे दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर उनको ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैक टू लुक मोर हैंडसम। तो मिरर को देखते हुए डॉक्टर के दिल में ख्याल आता है। वो मिरर के पास जाके खुद को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, फिर बोलते एक डिसीज़न लेते हैं कि वो डेली शेव करेंगे और पतली सी मूछें रखेंगे जिससे कि वो और हैंडसम दिखें। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। और वो कहते हैं कि आफ्टर ऑल मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कुंवारा था और मैं एक डॉक्टर हूँ। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। देन डॉक्टर अगेन लुकड इन टू द मिरर एंड ही स्माइल्ड। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, मतलब वो बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और फिर उन्होंने दोबारा धरती को हिला देने वाला एक फैसला लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, डॉक्टर ने कहा। कि फिर उन्होंने एक और डिसीज़न लिया जो धरती को हिला देता। वो डिसीज़न क्या था कि वो उस अट्रैक्टिव स्माइल को जो उस समय मिरर में देख रहे हैं उसको वो हमेशा अपने फेस पे रखेंगे, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि वो और ज़्यादा हैंडसम दिखें। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। अगेन डॉक्टर के बोलते कि एक तो मैं बैचलर था, ऊपर से मैं डॉक्टर था, तो मतलब बहुत बड़ी बात थी ये। अगेन केम दैट नॉइज़ फ्रॉम अबव, और फिर दोबारा से ऊपर से वैसी ही आवाज़ आई। आई गॉट अप पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्टक मी। फिर वो खड़े हो गए और ऊपर नीचे अपने रूम में देखा। फिर एक मतलब अच्छा सा ख्याल उनके दिल में आया। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। तो वो उनके दिल में ख्याल आता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और मैं एक लेडी वुमन डॉक्टर से शादी करूँगा जिससे कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा और अच्छी मेडिकल की प्रैक्टिस हो। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो डॉक्टर क्या सोचते हैं कि वो एक फैट लेडी से शादी करेंगे, और उसका रीज़न ये था कि अगर वो कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दें और जिसके वजह से कि उनकी वाइफ उनको पकड़ना चाहे तो वो वहाँ से भाग के निकल जाएं, और वो क्योंकि वो फैट होगी तो वो दौड़ नहीं पाएगी और उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। विथ सच थाट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट। और दिमाग में इन ख्यालों को लिए हुए वो वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। और कहाँ पे बैठते हैं, चेयर पे जो कि टेबल के फ्रंट में रखी हुई थी सामने। देर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देर कम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द। फिर अचानक से क्या होता है कि एक अजीब सी चीज़ होती है, एक रबर ट्यूब टाइप का कुछ ऊपर से गिरता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है ज़मीन पे। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, अब डॉक्टर सोचते कि ऐसा कुछ परेशान होने जैसा नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। तो वो सोचते कि अच्छा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुड़ के देखते हैं क्या है। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक विगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, मीन्स उनके पीछे कुछ गिरता है रबर ट्यूब टाइप का, जब तक वो मुड़ के देखने की कोशिश करते हैं तो वो जो फैट स्नेक होता है वो उनके शोल्डर के ऊपर आकर के और उस उनके हाथ पे लपेट जाता है। आई डिड नॉट जम्प, आई डिड नॉट ट्रैम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट। अब ना तो वो उछलते हैं वहाँ से, कूदते हैं नहीं हैं,
परेशान नहीं होते हैं, चिल्लाते नहीं हैं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, और इस तरह की कोई चीज़ करने का उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। द स्नेक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। और फिर क्या होता है कि वो जो स्नेक था वो उनके शोल्डर के पास आके लपेट जाता है, उनके एल्बो के ऊपर, मीन्स कोनी से ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। अब उनका क्या होता है, और उसका जो हेड होता है वो स्प्रेड होता है, मीन्स उसका जो फन होता है वो स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है, और वो स्नेक उनके फेस से 2-4 inch की ही दूरी पे, 3-4 inches की दूरी पे ही था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। और ये करेक्ट नहीं होगा कि मैं कहूँ कि मैं वहाँ पे अपनी सांस रोक के बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मतलब मैं पत्थर हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, मेरा शरीर तो पत्थर हो गया था, मैं हिल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो बहुत एक्टिव था, मतलब मेरा दिमाग काम कर रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। अब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, मतलब दरवाजे के बाहर अंधेरा था, रूम में अंधेरा था, और वो लाइट के पास बैठे हुए थे, लैम्प के पास पत्थर की तरह होकर के बैठे हुए थे, और इमेज जो उनकी थी वो शीशे में दिख रही थी, मतलब वो शीशे में दिख रहे थे उस टाइम। आई फेल्ट देन अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। अब क्योंकि जो डॉक्टर थे वो बहुत डरे हुए थे, और उस समय उनको भगवान के होने का और उनकी सारी मतलब पावर्स का रियलाइजेशन हुआ। गॉड वॉज देयर, सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। और उनको ऐसा फील होता है कि गॉड वहाँ पे थे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो शायद भगवान को पसंद नहीं आया, और इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड एंड ही वॉज, मतलब वो इतने डरे हुए थे और उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो वो मतलब अपने दिल से भगवान को याद कर रहे थे। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, उनके लेफ्ट आर्म में कुछ दर्द हो रहा था। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रॉड, नो ए रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। सो उनको कैसा फील हो रहा था कि एक मोटी सी रॉड जो है उनके हाथ में लपेटी हुई है, फिर वो क्या बोलते हैं कि नो, और वो जो रॉड है वो मोल्टन फायर, मतलब पिघली हुई आग से बनी हुई है, यानी कि वो बहुत गर्म था और बहुत ही स्ट्रांगली उन पे लपेटा हुआ था। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, और वो बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत ताकत से उनके आर्म को क्रश कर रहा था, यानी मरोड़ रहा था। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू। और हाथ की सारी ताकत जो है वो ख़त्म होती जा रही थी, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।